तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपेरिमेंट दिल से में। तो गाइस, आज हम फिर लेकर आ चुके हैं आपके लिए मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज हम आपको कोई गैजेट खोल के उसका मटेरियल दिखाने वाले नहीं हैं, आज हम आपको कुछ बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ये है इमरजेंसी फैन एंड लाइट, ये 2 in 1 गैजेट आपको बनाना सिखाएंगे। गाइस, वैसे तो आज के टाइम में सबके घर पर इन्वर्टर होगा ही, बट फिर भी जिनके घर नहीं है उनको हम बिल्कुल आसान तरीके से ये फैन बनाकर दिखाएंगे। तो गाइस, इसमें फैन भी है और एक ये लाइट भी है और ये चार्जेबल है। तो गाइस, चलिए फटाफट से अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो गाइस, रिचार्जेबल फैन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ये रोल चाहिए, ये एल्युमिनियम फॉइल का रोल है। इसका हम सबसे पहले बेस रेडी करेंगे इससे, और हमें एक ये चाहिए, ये एक सेलो टेप का रोल है। तो चलिए, इन दोनों के यूज से पहले हम इसका बेस तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, बेस रेडी करने के लिए मैंने इस सेलो टेप रोल के अंदर इस एल्युमिनियम फॉइल के रोल को पहले सेट कर लिया, और फिर मैंने साइड साइड से प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया। आप वाइट सीमेंट भी भर सकते हैं या कोई भी सीमेंट, कुछ भी भर सकते हैं आप, बस इसे हमें टाइट करना है। और ये देखिए, ये नीचे से पूरा पैक्ड हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये काफी मजबूत और बेस इसका काफी भारी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये काफी स्मूथ हो चुका है, ये देखिए काफी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस पे हम स्प्रे पेंट से इसको कलर कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा मैंने स्प्रे कलर से इसको काफी फिनिश कर दिया है, काफी खूबसूरत लग रहा है। अब गाइस, फटाफट से चलिए इसमें हम एक ये स्विच, एक ये चार्जिंग के लिए सॉकेट, एक मोटर और एक एलईडी इसकी जगह बना लेते हैं। इसको गाइस हम यहाँ पे लगाएंगे। चलिए गाइस, ये सब कुछ हो चुका है, फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से इसके सारे कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये दोनों चार्जिंग सॉकेट के लिए पॉइंट है, ये देखिए, ये दोनों, इसे हम लगाएंगे चार्जिंग मॉड्यूल में। ये देखिए, ये छोटा सा चार्जिंग मॉड्यूल है, हम इसे इसके इस पॉइंट पे लगाएंगे। ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस। चलिए इसे लगा देते हैं। चलिए अब ये देखिए, इस स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये वायर मैं स्विच पे लगाऊंगा एक। ये देखिए, इसमें से जो एक ये वायर है, एक स्विच से डायरेक्ट मोटर पे जाएगी ये। और ये दूसरी स्विच की वायर, एक ही मैं निगेटिव दे दूंगा और एक ये पॉजिटिव, ये दोनों मैं इस सॉकेट पे लगा दूंगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आउट लिखा है, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव मैं दे दूंगा इसको डायरेक्ट।
तो चलिए गाइस, ये स्विच और मोटर कनेक्शन हो चुका है, चार्जिंग का भी हो गया है। अब इसमें हम एक इंडिकेशन के लिए एलईडी लगाएंगे। गाइस ये एलईडी लिए मैंने एक, और इस पे मैंने एक डायोड लगाया है और एक ये रेजिस्टेंस लगाया है। गाइस इस पूरे सर्किट डायग्राम को मैं आपको दे दूंगा, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इस इंडिकेटर के प्लस माइनस को भी मैं डायरेक्ट इसके चार्जिंग पॉइंट से दे दूंगा। तो चलिए गाइस, इस पर हम एक और स्विच लगाएंगे। ये देखिए, इस पर गाइस हम एक एलईडी भी जोड़ेंगे ताकि हम इसे 2-in-1 काम कर सके। ये देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ होल बना दिया स्विच के लिए। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ सेट हो गया है। ये देखिए गाइस, इसकी एलईडी के लिए मैंने ये 2 1-watt की एलईडी ली है, इसे मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। और इसके रिफ्लेक्शन के लिए मैंने एक ये सिल्वर शीट ली है। ये देखिए, इसका भी कनेक्शन कर देते हैं फटाफट। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है। चलिए अब इसके एक पॉइंट को और एक स्विच के दोनों पॉइंट को हम लोग बैटरी के आउट से जोड़ देते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें जब मैंने आउट लगाया था मोटर के लिए, आउट प्लस और आउट माइनस, इस पे मैं इसके प्लस माइनस को ऐड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, सारा कनेक्शन देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने एलईडीज भी सेट कर लिए है, और ये देखिए, ये मैंने मोटर को एक कोल्ड ड्रिंक के कैप में सेट करके लगा लिया, काफी अच्छा दिख रहा है। ये 3 volt की मोटर है, इसकी स्पीड काफी तेज होगी। तो चलिए अब इसका बैटरी का सेटअप दिखा देता हूं मैं आपको। तो गाइस, बैटरी के लिए हम ये यूज करेंगे 3.7 volt की लिथियम आयन 18650। आप गाइस मोबाइल की भी पुरानी बैटरी का यूज कर सकते हैं, और आप इसे किसी पुराने लैपटॉप की बैटरी में से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने ऐसे 2 battery लिए और इसको मैंने पैरेलल में ज्वाइन किया। ये देखिए, माइनस का माइनस से और प्लस का प्लस से। गाइस पैरेलल में ज्वाइन करने से क्या होगा, इसकी एम्पियर बढ़ जाएगी और ये काफी देर तक चलेगा। तो ये देखिए गाइस, चलिए इसका ये प्लस माइनस मैं इस, देखिए यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस है, मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूंगा। ये देखिए, हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए गाइस, इस बैटरी को मैं पूरा पैक कर लेता हूँ ताकि ये कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और इस चार्जिंग सर्किट को भी मैं पूरा पैक कर लेता हूँ। चलिए इस पूरे सिस्टम को पैक कर लेता हूँ, और फिर मैं इस एलईडी के ऊपर गाइस ये मैं एक पुराने बल्ब का डिफ्यूजर लगा दूंगा ताकि ये काफी अच्छा भी लगेगा और इसकी रोशनी भी बहुत बढ़िया आएगी, और इसे मैं यहाँ पे ऊपर सेट कर दूंगा। तो चलिए गाइस, इस पूरे सेटअप को कंप्लीट कर देते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये सब मैंने पैक कर लिया है। चलिए अब इसे सेट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा डिजाइन भी बना लिया है। चलिए फटाफट से इसे सेट करते हैं इसके अंदर। गाइस इतनी वायर देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मैंने इसे प्रॉपर तरीके से करने के लिए मैंने इतनी लंबी लंबी वायर यूज की है, ताकि मैं इसे बाद में भी कभी अगर ये डैमेज हो तो मैं इसे रिपेयर कर सकूं। ये देखिए, इसे टेप की हेल्प से मैं कर लूंगा ताकि मैं इसे बाद में भी खोल सकूं। और गाइस, इस मोटर पे हमें किए प्रोपेलर लगाएंगे। ये देखिए, काफी अच्छा लग रहा है।
तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी टेस्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे एक स्विच ये लगा है और एक स्विच है। ये स्विच फैन के लिए और ये स्विच हमारे LED लाइट्स के लिए। तो चलिए इसको पहले हम चार्ज करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये चार्जर है आपका USB वाला। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये लाइट जल रही है, ये चार्ज हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, अभी मैंने चार्ज किया हुआ है। चलिए अब आपको इसको मैं फ़ैन को और लाइट को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसका, ये जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। अब इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको इसकी हवा भी दिखा देता हूँ कैसे आ रही है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कितना अच्छी हवा दे रहा है, बहुत कूल हवा दे रहा है फ्रेंड्स। अब ये देखें, अब इसके लाइट को भी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसकी रोशनी काफ़ी तेज है। चलिए मैं आपको इसकी रूम की लाइट बंद करके फिर आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज जल रहा है ये। आप आराम से इसमें स्टडी भी कर सकते हैं और ये नाइट लैंप के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, हम इसे दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें फैन भी चल रहा है और इसमें लाइट भी जल रही है। फ्रेंड्स, इसको आप एक बार चार्ज करेंगे तो ये कम से कम 4 to 5 hours आराम से वर्क करेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।